प्रशासन से अनुमति मिले या न मिले, भाजपा का सीएम हाउस घेरने का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, सारंगढ़ विधायक ने किया भगवान श्री कृष्ण का अपमान। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, युवा मोर्चा प्रधानमंत्री के सामने करे प्रदर्शन, उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया था वादा। कोंडा गांव में महंगाई के विरोध में हल्ला बोल, नुक्कड़ सभा में शामिल हुए मोहन मरकाम। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव को जिला प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है। इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी में लगातार बैठकें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की माने तो इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि सभी को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिले का अलग अलग लक्ष्य निर्धारित है, मंडलों के लक्ष्य निर्धारित है और बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 24 तारीख को मुख्यमंत्री निवास के घेराव में शामिल होंगे। कोंडा गांव में महंगाई के विरोध में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। इस नुक्कड़ सभा में महंगाई पर हल्ला बोला गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश की मोदी सरकार शासकीय संपत्तियों को बेच रही है और आम आदमी को महंगाई के गर्त में ढकेल रही है। आज दूध, दही, तेल और राशन गरीबों की पहुंच से दूर हो रहे हैं, जिनका कारण मोदी सरकार है। अब की बार मोदी सरकार, आज देश की जनता 8 सालों में कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। मोदी साहब कहते थे खाऊंगा ना, खाने दूंगा। मोदी साहब सही कहते थे। आज देश का 75 सालों में ऐसा तानाशाह सरकार के मुखिया है जो खाने पीने की वस्तुओं में, अन्न में भी जीएसटी, दूध में भी जीएसटी, पनीर में भी जीएसटी, जो हिंदुओं की चिंता करने वाले आज हिंदू जो खाते हैं पनीर दही से लेकर सब चीजों में जीएसटी। वार मोदी तेरा खेल, महंगा राशन, महंगा तेल। सारंगढ़ की कांग्रेस विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के फोटो युक्त प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी, जिसे लेकर सियासत होनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की धमतरी विधायक व प्रवक्ता रंजना साहू ने इसे भगवान श्री कृष्ण का अपमान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्री कृष्ण की फोटो प्रिंट वाली साड़ी विधायक के पैरों को छू रही थी। कांग्रेस के लोग लाख छुपा ले, वो कहते हम राम और कृष्ण का सम्मान करते हैं, कभी उन्होंने प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया है। आप उनके हर एक्टिविटी में आप देख लीजिए, महिला विधायक का जो परिधान है, कृष्ण भगवान उनकी साड़ी में है लेकिन वो कौन से स्थान में है, पैरों में है। तो कभी भी उन्होंने भगवान का सम्मान नहीं किया है। वो लाख डिंगे हाँक ले, कृष्ण कुंज बना ले, चाहे वो राम वन पद गमन बना ले, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान का सम्मान नहीं किया। भाजपा के इस बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपनी पार्टी के विधायक पर कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी के नाम से तो पूरे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में सारे छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज की कल स्थापना की शुरुआत हुई है। अब उत्तरी जांगड़े जी ने क्या पहना था ये तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इससे बचना चाहिए। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में विशाल चिकित्सा शिविर प्रारंभ हुआ। इस मौके पर ओपीडी में भारी भीड़ देखी गई। शिविर में जटिल रोगों के इलाज के लिए लोग पहुंचे। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि जिन रोगों के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, उनका भी इलाज यहां निशुल्क होगा। उन्होंने एक बार फिर रायपुर वासियों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वे यहां आकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। भारतीय जनता पार्टी संगठन में पिछले दिनों हुए बदलाव को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बड़े बड़े नेता यहां आकर यहां के नेताओं को चार्ज नहीं कर पाए, इसीलिए भाजपा में ये स्थिति बनी है।
उन्होंने एक बार फिर विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस के दिन पद से हटाए जाने पर खेद व्यक्त किया। हमें लगता है कि आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, शिवप्रसाद जी, नितिन जी लगातार आते रहे, भाजपाइयों को वो चार्ज नहीं कर पाए थे। अभी जवान साहब जो आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से देखा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों से छत्तीसगढ़ में मेहनत नहीं कराया जा सकता, तो शायद इस कारण से परिवर्तन हुआ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के चयन में जिस तरीके से हुआ है, दूर से मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की भी तकलीफें बढ़ी हैं, माननीय ब्रिजमोहन जी भी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, भाई शिवरतन जी को भी उम्मीदें थी, अजय चंद्राकर तो मुखर हो चुके थे, लेकिन अब माननीय नारायण चंदेल जी को बनाने से इनकी नाराजगी किस हद तक हो पाएगी या दूर हो पाएगी ये तो वो जाने। लेकिन आदरणीय नारायण चंदेल जी को हमने बधाई दिया है, बहुत कम तीसरे ही कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उनको मिल गया है, सातवें और छठवें कार्यकाल के विधायकों को छोड़ करके। और माननीय अरुण साहू जी बहुत सज्जन इंसान हैं, उनको भी हमने शुभकामनाएं दिया है। अब किस तरीके से वो आने वाले समय में भाजपा को चार्ज कर पाएंगे, प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरीके से भाजपा को करारी हार दिखाई है, केवल 14 की सीट में वो सिमट गए हैं, तो कांग्रेस अब उनके अपने कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित कर पाएंगे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन भाजपा का दुर्भाग्य है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक छत्तीसगढ़ के सौम्य और तीन तीन बार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो आदिवासी समुदाय से आते थे, उनको हटा करके दूसरे की ताजपोशी किया गया है। मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ का समूचा आदिवासी समाज इससे आहत हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई पद न दिए जाने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा था कि क्या अजय चंद्राकर इस्तीफा दे देंगे। मोहन मरकाम के इस बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पद एक व्यवस्था है और कार्यकर्ता स्थायी है। उन्होंने मोहन मरकाम का उदाहरण देते हुए कहा कि वे खुद कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था है। पद एक व्यवस्था है, कार्यकर्ता स्थायी चीज है, समझ रहे ना। तो जब जो कार्य दिया जाए वो हर कार्यकर्ता उसको संपादित करता है, इसलिए पदवत का यहाँ कोई जरूरत है। मेरे से योग्य अनन्य लोग हैं, सिर्फ मोहन मरकाम नहीं है, समझ रहे ना। कि आप इस्तीफा देंगे क्या, पहले वो अपनी कुर्सी तो बचा ले और डांट खा के कितनी चमड़ी मोटी हो गई ये बता दे। आगामी 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री निवास के घेराव को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि युवा मोर्चा अगर वाकई में बेरोजगारों के लिए प्रदर्शन करना चाहती है तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करे, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों को बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने ठीक चुनाव के पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे। अगर वो बेरोजगारों के हितों में आंदोलन कर रहे हैं तो उनका पहला प्रश्न होना चाहिए कि मोदी जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम को लेकर कहा कि अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के कार्यकर्ताओं को ललकारते थे, अब कार्यकर्ता उन्हें ललकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 21 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, उन्हें कब रोजगार मिलेगा। लगातार 3.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ललकारते हैं, अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल सरकार को ललकारा है और हल्ला बोल कार्यक्रम है कि भूपेश बघेल सरकार जो यहाँ के नौजवानों के साथ में, यहाँ के बेरोजगारों के साथ में, यहाँ की जनता के साथ में, यहाँ के मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, और नौजवान 24 तारीख कर सड़कों पर ही उतरेगा और भूपेश बघेल सरकार को बता देगा कि भूपेश बघेल
अपने बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो, अब नौजवान युवा जो है वो सड़कों पर उतर आया। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के भत्ते में राज्य सरकार ने 6% का इजाफा किया है, जिसे कुछ कर्मचारी संघों ने कबूल किया, लेकिन कुछ कर्मचारी संघ ने न मानते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार की तरफ से सभी कर्मचारी संघ से हड़ताल न करने का आग्रह किया। उन्होंने दलील दी है कि कोरोना काल में जहां अन्य प्रदेशों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, वहीं छत्तीसगढ़ में पूरा वेतन प्रदान किया गया। हमें ऐसा नहीं लगता, शासकीय कर्मचारी संघ के कुछ फिरके 6% डीए को भी मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में जिस तरीके से हमने कोरोना काल में कई राज्यों ने वेतन की कटौती की, छत्तीसगढ़ ने नहीं की, हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की, तो मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट पे कई कर्मचारी संघ के फिरके चाहते हैं कि उसको स्वीकार किया जाए। कुछ लोग अभी भी स्ट्राइक में जाने के पक्ष में हैं, हमने तो उनसे भी आग्रह किया है कभी 6% डीए दिया जा रहा है उसको स्वीकार करें और स्ट्राइक का जो कॉल ऑन किए हैं उसको वापस लिया जाना चाहिए। आगामी 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा गीदम में मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के आह्वान पर मंडल अध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में हारम चौक से मशाल क्रांति यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड में शामिल हुई। इस मशाल यात्रा के माध्यम से बेरोजगारों को 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की गई। सरकार को चेतावनी देने, संकेत देने, हम मशाल क्रांति यात्रा निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं कि 24 अगस्त को आदरणीय अमित साहू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी की उपस्थिति में युवाओं के साथ वादा खिलाफी के विरोध में रोजगार की मांग को लेकर, बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर हम 24 अगस्त को रायपुर में सीएम निवास का घेराव करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने एक सांकेतिक एक मशाल रैली निकाली।